affected due to dilapidated condition of the Doda to Pull Doda road. The potholes and broken roads have put their lives at risk. Despite repeated requests from the locals, the administration is not paying any attention. Meanwhile, the residents allege that the state administration has taken over 100 of drainage schemes, road construction schemes in J&K over the years, but most of them could not be completed owing to lack of coordination between various departments. रोड के बारे में यही कहना चाहता हूं कि इसका 2017 से इसका जो फाउंडेशन स्टोन था वो उठाया गया था, लेकिन उसके बाद कुछ ठेकेदारों को आपस के क्या मसला हुआ तो उसकी वजह से ये बन नहीं पाई रोड। तो कल परसों से हम देख रहे हैं इधर ये टिपरू में ये आम मिट्टी उठा के किसी जगह से मिट्टी उठाई है और मिट्टी से इसकी जो खड्डे बने हुए हैं, इस रोड की पूरी खस्ता हालत है और मिट्टी से वो खड्डे भरे जा रहे हैं और उस मिट्टी की वजह से यहाँ से स्कूल के बच्चे पैसेंजर का बहुत, ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ डोडा में, तो उस मिट्टी की वजह से गर्दो गबार, अभी बारिश पड़ती है तो चिक्कड़ हो जाती है, स्लिप होता है, एक्सीडेंट का खतरा है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ी शर्म की बात है कि वो मिट्टी से, एक डिस्ट्रिक्ट जो 4 किलोमीटर रोड है यहाँ से, तो उसको मिट्टी से भरे जा रहे हैं, जहाँ के मिट्टी के बदले वहाँ पर अगर वो थोड़ा सा आधा ही टिप्पर उसमें तारकोल उसमें पड़ जाता और रोड की अच्छी कंडीशन बनती। है।